राखी गुरु शुभ दा को मेरा दूसरा प्रणाम है। ओ बंदगी करूं मैं फेली माता श्री शारदा की, गुरु शुभ दा को मेरा दूसरा प्रणाम है। ओ पिता सोहन को मेरा कोटि कोटि है नमन, उनकी दुआओं से ही आज मेरा नाम है। ओ कियोंग पिछले जन्म मैंने पुण्य तबे, ओ कियोंग पिछले जन्म मैंने पुण्य तबे, ओ मातृभूमि दीदी मुझे मेवाड़े महान है। ओ नाम सत्य नारायण टेकड़ी खेड़ा में जन्मा, हास्य कहूं मैं कवि स्वदेशी पहचान ही। और साथ अपन चित्तौड़ वाले मेवाड़ वाले मेवाड़ को कितना पवित्र मानते हैं और कैसा मानते हैं, ये कहते हैं कि चार धाम की यात्रा करके भी आते हैं और अगर चित्तौड़ के किले को मेवाड़ की यात्रा नहीं करते तो उसको भी अधूरा माना जाता है। तब मैंने एक छंद लिखने का प्रयास किया है, मैं एक चित्तौड़गढ़ के सम्मान में मेवाड़ के सम्मान में छंद निवेदित करता हूँ। स्वागत है भैया, स्वागत। वो चार धाम के समान ये है भूमि है महान, इसके जैसा दुनिया में कोई स्थान है। वो चार धाम के समान ये है भूमि है महान, इसके जैसा दुनिया में कोई स्थान है। वो बचाने को आबरू जो कूद गई आग में ही, जोहर की कहानी कहता गुणगान है। वो भक्ति में मीरा बाई शक्ति मेरा ना संगा, वो भक्ति में मीरा बाई शक्ति मेरा ना संगा, धन वीर पामा चाह यहाँ पे महान है। और नर नारी आते और चूमते हैं हल्दी गाठी, कण कण करे ता प्रताप का बखान है। कण कण करे ता प्रताप का बखान है। वाह 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 वाह। और बहुत बहुत आशीर्वाद आपका देने। मैं विशेष रूप से हास्य विधा में लिखने का प्रयास करता हूँ, वैसे से मेरी तबीयत आज थोड़े सही नहीं है। मैं एक गीत से आपको जोड़ता हूँ, पहली बार मंच पर पढ़ रहा हूँ, लिखा था एक बार प्रयास किया था करते, लेकिन मंच पे पहली बार पढ़ रहा हूँ। मैं अपनी पसंद का एक गीत पढ़ता हूँ। मैं एक लड़का की नई नई शादी होती है और वो अपने पिताजी से कहता है मेरे को अलग कर दो, किन किन बातों को लेकर वो कहता है मेरे को अलग होना है, मैं इस गीत के माध्यम से आप तक रखूंगा। हमारे लायो रे बींदनी नुई न को नाओ कर दे बापू मने होता ही वो हमारे समझ आएंगे सही बात समझ आएंगे। यानी वो कहता मेरी नई नई बींदनी लायक लेके आया हूँ मैं, मेरे को अलग होना है आपसे ये, और सुबह होता है मेरे को यानी अलग कर दो। हमारे दायों ने बींदनी नुई न को नाओ कर दे बापू मने होता ही वो। और क्या कहता है, मारी घरवाड़ी लागे चमक छलो मारी घरवाड़ी। आप ऐसे नर्वस हो गए मत सुनो, ताली बजाएंगे थोड़ा अच्छा लगेगा। हरी साहब ने हमारे लायों रे हमारे तायों रे बींदनी नुई न को नाओ कर दे बापू मने होता ही वो। हमारी घरवाड़ी लागे चमक छलो सिर पुखी सक जावे दुगड़ा को पल्लो, मारी घरवाड़ी लागे चमक छल्लो सिर पुखी सक जावे दुगड़ा को पल्लो, पतली कमर उकी मच कोड़ा खावे तो भरे कर गगिरी घर पर लावे। वातो बने गिरे वातो बने गिरे मारे काल जाकी को कहता है। और भरी जवानी में मौज उड़ाई खर्चों की दूरी प्यो ओरे आठा न कमाई, और भरी जवानी में मौज उड़ाई खर्चों की दूरी प्यो ओरे आठा न कमाई, नखेराड़ी गोरी का घर चाहिए मोटा
गया घर माई टूटा। अरे पेट पाल पा, अरे पेट पाल पा खातिर मैं तो बड़े जोर चोर ना कर दे बापू मने होता ही वो। और सब सारे गलत काम करने लग जाता है तो थाने तहसील तक बात चली जाती है तो कोई दूसरा नहीं दिखता उसको, तो अपने पिताजी से लड़ाई करता है, पिताजी से जगह जमीन लेने की लड़ाई करता है और पिताजी का क्या जवाब देता सुने। अराटीना की नात घर में कह दी दीवार, अराटीना की नात घर में कह दी दीवार, रिश्तेदारी छुट्टो साथ छुट्टो परिवार। अरे समझायो लाख पर समझ न आई, पतिले पाखा की धासू कर दी लड़ा। अरे प्रयोग तेरो पिताजी, अरे प्रयोग तेरो चोर पर बोल क्या मोर ना कर दे बापू मने होता। गीत का अंतिम मन है, इस गीत को मैंने हास्य विधायक परिवारिक विधा से परिवार के माध्यम से अगर मैंने एक देशभक्ति की बात भी अगर पहुंचाई हो और दो देशों की बात मैंने दो देशों की तुलना में लिखी हो तो आप सबका साथ चाहूंगा मैं। सुनिएगा की मन है, आस पड़ोस सुन ले लियो उधार, बेचू सारी जगह पर भी ने पाऊं उतार। और आस पड़ोस सुन ले लियो उधार, बेचू सारी जगह पर भी ने पाऊं उतार। अरे हो के दीवारो गांव माई कटवा दीना के, अरे हो के दीवारो, अरे हो के दीवारो गांव माई कटवा दीना के, गलती करो माप माई में बेटो हूं पाक। अरे तू ही मारो, अरे तू ही मारो बाप भारत नहीं कोई और, गले लगे ले मारा बापू आऊं पाचो। ये भूमिका मैंने पाकिस्तान से उठाई है, पाकिस्तान जैसे ही अलग हुआ आजादी नामक आंदोलन लेकर आया अलग हुआ, कुछ दिन अपने खर्चे पे खूब मजे से जिए, आस पड़ोस के देशों से कर्ज भी लिया, आज भी लोग कंगाल होने की स्थिति में है तो ये कभी भी कल्पना की हो सके वो भारत की शरण में वापस आ जाए। हाल मान कर मेरी तबीयत थोड़ा साथ दे रही, मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ।